एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम देखेंगे लेक्चर 11, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोट से स्टडी कर रहे थे, तो आज हम उसी के बारे में आगे स्टडी करेंगे। आज हम देखेंगे फ्री फ्लोट। तो इस फ्री फ्लोट में हम लोग आज हम फ्री फ्लोट देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट क्या होता है, या जो हमारे फ्लोट्स होते हैं उसके चार टाइप्स हैं। तो उनमें जो टोटल फ्लोट है वो हमने पिछले बार स्टडी किया था, और उसका मतलब है कि हमारे पास कितना एक्स्ट्रा टाइम मैक्सिमम अवेलेबल है। तो उस टोटल फ्लोट से क्या होता है, वो टोटल फ्लोट ऐसा है, कोई भी एक्टिविटी के पास इंडिविजुअल एक्स्ट्रा टाइम, उसको TF से डिनोट करते हैं, वो एक्स्ट्रा टाइम है, ताकि उससे क्या होगा कि जो प्रीसीडिंग एक्टिविटी है वो भी अफेक्ट हो सकती है, सक्सीडिंग एक्टिविटी है वो भी अफेक्ट हो सकती है, बट प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम अफेक्ट नहीं होगा कोई भी टाइप के फ्लोट से, टोटल फ्लोट से भी नहीं होगा। ये टोटल फ्लोट है। अब इसमें कंसेप्ट ये आया कि एक फ्री फ्लोट है। फ्री फ्लोट का मतलब कोई एक्टिविटी है उसको डिले करो, पर उसके बाद जो आगे के, मतलब एक प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम अफेक्ट नहीं होना चाहिए, और उसके बाद की जो एक्टिविटीज है, जिस एक्टिविटी को हम ध्यान में लेके हुए बात कर रहे हैं, जिस एक्टिविटी का फ्लोट की बात कर रहे हैं, उसके सक्सीडिंग एक्टिविटी है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। प्रीसीडिंग एक्टिविटी भले ही अफेक्ट हो जाए, इसलिए फ्री बोलते हैं, मतलब उसके बाद कोई भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, पहले तो हो, तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्री फ्लोट। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फ्री फ्लोट है उसके बाद टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग अर्ली स्टार्ट ऑफ द सक्सीडिंग एक्टिविटी, जो सक्सीडिंग एक्टिविटी है उसको अफेक्ट नहीं करना है। प्रीसीडिंग हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो AO जो डायग्राम है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्रीसीडिंग इवेंट है, जो पहले वाला इवेंट है, वो क्या हो सकता है कि उसको जल्दी से जल्दी करवाएंगे हम लोग एक्स्ट्रा टाइम के लिए, पर सक्सीडिंग एक्टिव इवेंट को पहले तो हम लोग क्या करवा रहे थे, लेट से लेट करा रहे थे, सक्सीडिंग इवेंट को अफेक्ट कर पा रहे थे जो टोटल फ्लैट में, पर यहाँ पर सक्सीडिंग इवेंट क्या होगा, वो भी जल्दी से जल्दी होगा ताकि सक्सीडिंग इवेंट अफेक्ट नहीं हो। तो बेसिकली क्या है, ये टोटल फ्लोट का ही पोर्शन है जो कि कोई भी एक्टिविटीज के द्वारा यूज किया जाए, उसी का सब पार्ट होगा विदाउट डिलेइंग एनी सक्सीडिंग एक्टिविटी। तो ये हमने देख लिया कि टोटल फ्लोट से प्रीसीडिंग एक्टिविटी और सक्सीडिंग एक्टिविटी डिले हो सकती है, अगर टोटल फ्लोट हम यूटिलाइज करते हैं कोई भी एक्टिविटी का टोटल फ्लोट से डिले करते हैं, पर अगर फ्री फ्लोट यूज करेंगे तो प्रीसीडिंग एक्टिविटी ही डिले होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्री फ्लोट जो है टोटल फ्लोट का के बराबर या उससे इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी एक्टिविटी अगर टोटल फ्लोट जीरो है तो उसका फ्री फ्लोट भी क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट जीरो होगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। मतलब जो क्रिटिकल एक्टिविटी होगी उसका, जो क्रिटिकल एक्टिविटी है उसका टोटल फ्लोट भी जीरो होता है, तो फ्लोट फ्री फ्लोट भी क्या होगा, जीरो होगा, फ्री फ्लोट भी क्या होगा, जीरो होगा। आपको समझ में आया होगा। और इसको एक तरीके से हम भी देख सकते हैं कि ये एक्सिस ऑफ अवेलेबल टाइम है, जो भी हमारे पास एक्टिविटी के पास जितना भी एक्सिस एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल है उसमें से, फ्लोट का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल, फ्लोट का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा टाइम, जो भी अवर द एक्टिविटी टाइम है ना, तो उसमें से वो टाइम हमें, वो पोर्शन लेना है जिसमें कि सारे जो जॉब है, व्हेन ऑल जॉब्स क्या हो, स्टार्ट हो सबसे जल्दी से जल्दी, वो क्या हो कि जल्दी से जल्दी सारे जॉब स्टार्ट हो, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, फ्री फ्लोट बोल सकते हैं, कि जब सारे जॉब्स क्या हैं, कि सारे के सारे जॉब क्या हो, चाहे वो प्रीसीडिंग हो या सक्सीडिंग हो, सब सारे के सारे एक्टिविटीज का वो स्टार्ट हो, क्योंकि प्रीसीडिंग भी जल्दी से जल्दी तभी स्टार्ट होगी ना, प्रीसीडिंग को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इसको यूज कर रहे हैं फ्लोट को, और सक्सीडिंग तो हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग पिछले वाले जो एग्जांपल है उसी को हम लोग यहाँ पर भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो हमने टोटल फ्लोट निकाला था उसमें हम लोग क्या करते थे, उसका जो फॉर्मूला अगर आप देखेंगे टोटल फ्लोट का, तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग यहाँ पर जो हमारे पास जो हमारा इवेंट था बाद वाला, उसको भी हम लोग क्या करा रहे थे, लेट से लेट करा रहे थे, मतलब जो लेट जो 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 इवेंट है कोई भी एक्टिविटी का, जो जो हेड इवेंट है उसको भी हम लोग क्या करा रहे हैं, लेट इवेंट टाइम ले रहे थे माइनस, और जो से पहली वाली एक्टिविटी है उसको भी क्या कर रहे थे हम लोग,
माइनस ड्यूरेशन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग जो टोटल फ्लोट थे उसमें क्या करते हैं, थ्री ये इसके बाद जो वाला इवेंट है उसको लेट से लेट कराओ, इसको पहले से पहले कराओ ताकि इस एक्टिविटी को फुल टाइम मिले, माइनस जो भी इसकी ड्यूरेशन है वो करते हैं। पर फ्री फ्लोट जो है, फ्री फ्लोट उसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्री फ्लोट में हम क्या करेंगे, जो एक्टिविटी है उसको, जो बाद वाली एक्टिविटी बाद वाला इवेंट है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, टाइम टू उस वाले जो बाद वाला इवेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, चाहेंगे कि वो भी जल्दी से जल्दी हो जाए, और यहाँ पर भी अर्ली इवेंट टाइम आ जाएगा आई का माइनस ड्यूरेशन। जैसे हम लोगों ने पहले निकाले थे तो हम लोग वापस से लिख लेते हैं, और एग्जाम में जब भी आपको फ्लोट्स निकालने हो तो आप AOA डायग्राम में आपको निकालने के लिए आएगा, तो आप वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि AOA डायग्राम में फ्लोट निकालना सारा थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है। टोटल फ्लोट निकाले तो कोई बात नहीं, पर AON डायग्राम में टोटल फ्लोट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। टोटल फ्लोट तो ईजी है, बट आगे के फ्लोट के लिए थोड़ा सा आपको थिंकिंग करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन सकता फ्री फ्लोट के लिए। अरे पर अभी देखिए, हमने केवल अभी इवेंट टाइम से, ये क्या है, सारे इवेंट के टाइम है, लेटेस्ट इवेंट टाइम और ये सब इवेंट टाइम है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी लिख लेते हैं, यहाँ पर टोटल फ्लोट लिख लेते हैं और यहाँ पर फ्री फ्लोट लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई, पांच एक्टिविटी है, सिंपलिसिटी के लिए हमने लिखा है। तो एक्टिविटी ए है उसका जो टोटल फ्लोट निकालने के लिए क्या करेगा, थ्री माइनस जीरो माइनस थ्री, थ्री माइनस जीरो माइनस इसकी जो ड्यूरेशन है वो करेंगे, थ्री माइनस जीरो माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। फ्री फ्लो वैसे भी हमें पता है कि ये क्रिटिकल एक्टिविटी, ये एक्टिविटी के अर्ली स्टार्ट टाइम ये है, लेट स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लेट फिनिश टाइम, ये आप लोग जो ये जो नोटेशंस हैं या जो सारी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, वो आप हमारे पुराने लेक्चर में देख सकते हैं, उनको समझे बिना आप यहाँ पर पूरा नहीं समझ पाएंगे, और हम लोग क्या है कि उनको रिपीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको वहाँ से समझना है। ऐसे बी एक्टिविटी उसका टोटल फ्लोट क्या होगा, 12 माइनस 3 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे सी एक्टिविटी है इसके लिए जो ये है 12 माइनस 3 माइनस 9, ये क्या हो जाएगा, 0। ऐसे जो डी एक्टिविटी है उसके लिए क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 माइनस 1, तो 16 माइनस 9 माइनस 1 बराबर 0, 9 और 6 इक्वल टू 6, ठीक है। तो और ई जो एक्टिविटी है उसके लिए हो जाएगा 16 माइनस 12 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 0। अब हमें निकालना है फ्री फ्लोट, तो फ्री फ्लोट में क्या है कि जो बाद वाले सभी जल्दी से जल्दी होंगे, तो 3 माइनस 0 माइनस 3 इक्वल टू 0। ऐसे ही जो फ्री फ्लोट है, फ्री फ्लोट जो बी एक्टिविटी है उसके लिए क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 माइनस 6, वो 0 हो जाएगा। तो आपने देखा बी एक्टिविटी जो थी उसका वो पहले तो क्या है, टोटल फ्लोट तो 3 था, पर जो फ्री फ्लोट है वो फ्री फ्लोट क्या है, उसका जो है 0 है, फ्री फ्लोट उसका जो फ्री फ्लोट है वो 0 है। वो क्यों है हम लोग समझेंगे भी सही, पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे, और फिर हम लोग जो एक्टिविटी टाइम हमारे पास हो उनसे कंसेप्ट सोच के भी सोच सकते हैं। हम देखेंगे जो सी एक्टिविटी है उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 ये 12 लेना है और माइनस 3 माइनस ड्यूरेशन लेनी है एक्टिविटी की, तो 12 माइनस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0। ऐसे जो डी एक्टिविटी है उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 माइनस 1 इक्वल टू 6, ठीक है। और ऐसे हमारे पास जो तो डी एक्टिविटी ई एक्टिविटी है उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ई एक्टिविटी के लिए हमारे पास हो जाएगा 16 माइनस 12 माइनस 4 इक्वल टू 0। ऑब्वियसली जिनके लिए 0 था वो 0 आना था, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे बिना कैलकुलेशन किए हुए। पर जो इसमें एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि जैसे हमारे पास टोटल फ्लोट के लिए एक्टिविटी टाइम्स है, ये तो इवेंट टाइम दिए हुए हैं, अगर एक्टिविटी टाइम से अगर हम टोटल फ्लोट निकालते हैं तो वो क्या होता है, टोटल फ्लोट के लिए क्या होता है कि लेट स्टार्ट टाइम माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम ले लो कोई भी एक्टिविटी का गिवन का, या लेट फिनिश टाइम और अर्ली फिनिश टाइम में से जो डिफरेंस है,
और अगर आपको फ्री फ्लोट निकालना पड़ेगा, तो जब आपको फ्री फ्लोट निकालना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सक्सीडिंग एक्टिविटी है उसका अर्ली स्टार्ट टाइम लेना पड़ेगा, एंड जो हमारे पास जिसका हम फ्री फ्लोट निकाल रहे हैं वो उसका फिनिश टाइम लेना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी उसका फिनिश हो सकती है, और एक्टिविटी अंडर कंसिड्रेशन लेना पड़ेगा। पर आप ये जो है ये थोड़ा सा मतलब फॉर्मूला याद रखने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, पर इसको आप कंसेप्ट से समझ सकते हैं कि ये क्या करना चाह रहा है। कि जैसे आप देखिए कि जो ए एक्टिविटी है, जो उसके लिए जो सक्सीडिंग एक्टिविटीज है वो बी बी है और सी बी है। तो एक बार हम बी के हिसाब से करते हैं कि जो बी एक्टिविटी है उसका अर्ली से अर्ली स्टार्ट टाइम क्या है, 3 है, और जो अर्ली फिनिश टाइम 3, और इस ए एक्टिविटी है उसका जो अर्ली फिनिश टाइम है, अर्ली फिनिश टाइम मतलब वो क्या है, 3। तो 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये ए एक्टिविटी का क्या हो गया कि ए एक्टिविटी बस फ्लोट नहीं है, कि ए एक्टिविटी जो अर्ली वाले जो टाइम है उनमें से ए एक्टिविटी बस कोई एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है कि नहीं बच रहा। ऐसे जो बी एक्टिविटी है इसके बाद ये जो है बी एक्टिविटी बस ये है, ये वाली एक्टिविटी यहाँ पर ये टाइम 9 है और ये 12 है, तो यहाँ पर तो मतलब 3 का टाइम बच रहा है, पर यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि डी भी तो होना है, तो बी के बाद 9, और क्योंकि बाद वाली अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो कि भाई बाद वाली कोई अफेक्ट नहीं हो, तो इसको क्या होगा, 9 पे ये अर्ली स्टार्ट इसका है और इसका 9 पे, तो इसके पास टाइम नहीं है, बाद वाली एक्टिविटी को डिले नहीं कर सकते, मतलब बाद वाली जो एक्टिविटीज है उनको आप क्या कर सकते हैं कि डिले नहीं कर सकते। ऐसे ही ये जो एक्टिविटी है 12, और ये भी 12 पे हो रही है, तो इनके बीच में गैप नहीं है। ऐसे ये जो है ये एक्टिविटी जो है ये, इसके बाद तो कोई इन डी एक्टिविटी तो है ऑब्वियसली, जो टर्मिनल एक्टिविटी है डी एक्टिविटी, जो हमारे पास डी एक्टिविटी है उसके पास तो बाद वाले की कोई चिंता नहीं है। तो इसके पास इसके बाद वाले का मतलब क्या है कि यहाँ पर 10 और ये 16, तो यहाँ पर 6 डेज का टाइम डिफरेंस है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसको आप लोग और तरीकों से कैसे समझ सकते हो कि कोई भी एक्टिविटी जो है उसके पास बाद वाली एक्टिविटीज को बिना अफेक्ट करे कितना एक्स्ट्रा टाइम है। जैसे इसके बाद कुछ टाइम नहीं है, ए के पास तो कुछ टाइम ही नहीं है, बी जो हमारे पास बी एक्टिविटी है उसके पास 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है वैसे तो, पर इसके बाद वाली जो एक्टिविटी हो रही है, बाद वाली एक्टिविटी हो रही है, इसको 9 पे होना ही होना है, मतलब क्योंकि 6 दिन का इसमें टाइम लगेगा और उसके बाद वाली एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करना है फ्री फ्लोट में, तो इसके पास कोई स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। जबकि डी एक्टिविटी है उसके पास 9 और ये 6 15 डेज का 6 का, इसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं है तो उसको कोई अफेक्ट होगा नहीं, प्रोजेक्ट तो 16 पे कंप्लीट हो ही जाएगा। तो डी एक्टिविटी को क्या है, ऑप्शन मिल गया और उसके पास 6 डेज का फ्री फ्लोट हो गया। पर हो सकता है आप एग्जाम में इतना सारा डीप में नहीं सोच सके, इसलिए इवेंट टाइम से आप फटाफट उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये पार्ट जो है हम लोग समझा रहे हैं वो आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम और आगे बढ़ते हैं। तो फ्री फ्लोट किसको अफेक्ट करता है, प्रीसीडिंग एक्टिविटी को, यस, सक्सीडिंग एक्टिविटी को नहीं, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को नहीं, ए एंड बी को, दोनों को नहीं। ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। इंडिपेंडेंट फ्लोट वो है, इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या है कि जैसे टोटल फ्लोट में हमने क्या किया था कि सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग दोनों अफेक्ट होते हैं, फ्री में क्या कि पहले के जो हो गए बाद में कोई भी प्रोजेक्ट के कोई भी एलिमेंट अफेक्टेड नहीं होंगे। इंडिपेंडेंट में क्या कि पहले के भी अफेक्टेड नहीं होंगे, बाद वाले भी अफेक्टेड नहीं होंगे, वो मतलब वो बाद वाले इवेंट भी अफेक्ट नहीं होंगे, बाद वाले एक्टिविटी भी अफेक्ट नहीं होगी, मतलब सब कुछ क्या है कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो सक्सीडिंग इवेंट है, जो सक्सीडिंग इवेंट है जो वो क्या होंगे, जल्दी से जल्दी होंगे, और प्रीसीडिंग इवेंट है वो लेट से लेट होंगे। ये हम लोगों ने देखा है, एक विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्ट टाइम ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम अफेक्ट नहीं होना चाहिए, और प्रीसीडिंग एक्टिविटी का फिनिश टाइम अफेक्ट नहीं होना चाहिए। वी मतलब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि फिनिश प्रीसीडिंग एक्टिविटी भी लेट से लेट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सक्सीडिंग एक्टिविटी भी जल्दी से जल्दी हो जाए या इवेंट के लिए भी हो जाए, वैसे मिलर बात। तो ये क्या हो गया कि जो फ्री फ्लोट है उससे भी थोड़ा सा छोटा होगा, और टोटल फ्लोट का ये एक पार्ट है। इंडिपेंडेंट फ्लोट भी क्या है, टोटल फ्लोट का ही पार्ट है, पर ऑब्वियसली फ्री फ्लोट से थोड़ा सा छोटा होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम लोग इसको यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं तो आपको ये पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा कि हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोट का बना लेते हैं। और अभी जो हमने फ्री फ्लोट का फॉर्मूला बनाया,
इसमें क्या होगा, जो जो बाद वाला इवेंट है, जो बाद वाला इवेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड इवेंट। हेड इवेंट जो बोल रहे हैं कोई भी एक्टिविटी का, वो क्या कह रहे हैं हम, कोई भी जो इसके बाद वाला इवेंट है वो क्या हो, जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो। तो ये ठीक है, जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, पर हम चाह रहे हैं कि इसके पहले वाला जो इवेंट है वो भी क्या हो, लेट से लेट हो जाए, इतनी लिबर्टी दे रहे हैं। तो माइनस डी, तो जो टोटल फ्लोट होता है ना कोई भी एक्टिविटी का, वो दिखाता है कि सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम कितना अवेलेबल है, और जो इंडिपेंडेंट फ्लोट है वो दिखाएगा मिनिमम एक्स्ट्रा टाइम, और टोटल फ्लोट क्या देगा, मैक्सिमम एक्स्ट्रा टाइम। क्योंकि उसमें क्या है कि हमने प्रीसीडिंग एक्टिविटी सक्सीडिंग एक्टिविटी दोनों को क्या कर दिया था, अफेक्ट कर दिया था, और मिनिमम इंडिपेंडेंट फ्लोट में कुछ भी अफेक्ट नहीं होता है। जैसे मान लो कि हम लोग अभी ये क्वेश्चन देख रहे थे, यहाँ पर इंडिपेंडेंट फ्लोट होता तो इसमें जो आंसर्स होते अगर इंडिपेंडेंट फ्लोट में, तो इंडिपेंडेंट फ्लोट अफेक्ट्स, तो किसको इंडिपेंडेंट फ्लोट किसको अफेक्ट करेगा, प्रीसीडिंग एक्टिविटी को नहीं, सक्सीडिंग एक्टिविटी को नहीं, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को नहीं। तो आंसर क्या हो जाता, कोई भी आंसर नहीं होता, ई आंसर बनाना पड़ता, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अभी हम लोग इंडिपेंडेंट फ्लोट निकाल लेते हैं। वैसे तो हमें पता है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एग्जाम में टाइम के लिए 0 0 0 और ये जो है इसका 0। ठीक है, बिना कैलकुलेशन किए हमने लिख दिए हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट, पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे ए एक्टिविटी है, पहले तो टोटल फ्लोट में था ऐसे हम लोगों ने किया था क्रॉस, फिर जो इसमें अर्ली अर्ली टाइम लिए थे, अब इसमें लेंगे ऐसे 3 -0 -3। जैसे बी में जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 9 -3 -6। ऐसे सी में जाएंगे तो 12 -3 -9। ऐसे डी में जाएंगे तो जो हमारे पास डी है यहां पर अवेलेबल है, तो 16 -12, 16 -12, ये 16, इसको लेट से लेट करें 12 -1, तो ये क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो जो हमारे पास जो डी एक्टिविटी है उसका जो इंडिपेंडेंट फ्लोट है वो कितना आया, 3। उसका जो टोटल फ्लोट था, फ्री फ्लोट था, वो क्या था, 6 था। मतलब क्यों, बाद में तो कोई एक्टिविटी है ही नहीं, तो उसको तो अफेक्ट करने की बात है ही नहीं सक्सीडिंग की। तो प्रीसीडिंग में जो क्या है कि 3 का यूज हो रहा है, आप देखिए इस एक्टिविटी का प्रीसीडिंग जो बी एक्टिविटी है उसमें 3 का फ्लोट यूज हो रहा है। अगर उस 3 को हटा दे, 3 बी को मिल जाएगा, 3 डी को मिल जाएगा, इसलिए जो उसका टोटल फ्लोट है या फ्री फ्लोट है वो अच्छा है। पर उसमें अगर प्रीसीडिंग को भी अफेक्ट नहीं करना है तो वो जो 3 पार्ट है, वो 3 पार्ट है, वो यहाँ जो बी ने खा लिया वो कम हो गया, और उसका जो डी एक्टिविटी है उसका जो इंडिपेंडेंट फ्लोट है वो कितना रह गया, 3 ही रह गया। बी एक्टिविटी का जो इंडिपेंडेंट फ्लोट है वो 3 ही रह गया। आपको ये समझ में आ गया होगा फॉर्मूला से या इवेंट टाइम से, हम लोगों ने इसको समझ लिया। ऐसे जो ई एक्टिविटी है उसके लिए क्या हो जाएगा, 16 -12 -4, तो ये क्या हो जाएगा, 16 -12 -4। अब ये जो हमारे पास फ्लोट आए उसके अलावा एक और होता है फ्लोट, चौथा फ्लोट, इंटरफेरिंग फ्लोट। उसका मतलब क्या होता है, वो जो उसकी डेफिनेशन होती है, इसको INTF से भी नोट कर सकते हैं, एक टोटल फ्लोट, एक फ्री फ्लोट, एक इंडिपेंडेंट फ्लोट। अब इसमें क्या II दोनों आ रहा है, तो इसलिए इसको, और इसका मतलब क्या होता है, टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरिंग फ्लोट। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट के बीच में जो भी डिफरेंस होगा, टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट के बीच में यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई डिफरेंस नहीं है, सभी बराबर है, तो इस केस में जो इंटरफेरिंग फ्लोट्स हैं वो 0 हैं सारी एक्टिविटीज के। और इंटरफेरिंग फ्लोट क्या होता है बेसिकली।